आज से लगभग 2 साल पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था एक ऐसी रिवोल्यूशनरी कंपनी के बारे में जिन्होंने भारत का फर्स्ट इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रक तैयार किया था, और ये कंपनी है इंफ्रा प्राइम लॉजिस्टिक कंपनी AMT टेक्नोलॉजी। पहली बार ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें यूज किया गया था। इनफैक्ट इसकी बैटरी भी काफी हाई रेंज की थी, 200 किलोमीटर एक बार में ही चलती थी, वो भी विद पेलोड। 258 किलोवाट आवर्स की इसमें लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी इंस्टॉल की गई है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से 80% ज्यादा एफिशिएंट है। वैसे वो वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार है, टेस्ला के साथ भी कंपेयर करके मैंने बनाया था। डेफिनेटली आप वो वीडियो चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हुआ इन ट्रक्स का, कहां पर है, हमें एक भी ट्रक अभी देखने नहीं मिलते इलेक्ट्रिक ट्रक्स। जबकि भारत में 28 लाख ट्रक्स दौड़ते हैं और ये एक साल में 100 बिलियन किलोमीटर का सफर तय करते हैं। अब भले ही पूरे हमारे रोड में 2% ही जगह लेती हैं ट्रक्स, अब भले ही हमारे पूरे रोड में 2% का जगह इनका है, लेकिन 40% एमिशन और फ्यूल कंजप्शन केवल ट्रक्स ही करते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय सरकार ने इनको नेग्लेक्ट करके काफी बड़ी गलती कर दी है। इनफैक्ट भारत ने तो COP26 में कसम भी खाई थी कि हम नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाली कंट्री बन जाएंगे बाय 2070, लेकिन बिना इलेक्ट्रिक ट्रक्स और अल्टरनेटिव फ्यूल्स के साथ ये नहीं पॉसिबल होगा। वहीं दूसरे देश इलेक्ट्रिक ट्रक्स को कितना ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। कैलिफोर्निया की बात कर ले US में, तो इन्होंने 100% जीरो एमिशन वाले ट्रक्स का कमिटमेंट रखा है बाय 2045 तक। ऑस्ट्रिया भी 100% न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ हैवी ड्यूटी व्हीकल्स लाना चाहता है फॉर 18 टन जीरो एमिशन विद इन 2030। नॉर्वे में भी सेम सिलसिला है। इनफैक्ट पाकिस्तान भी चाहता है कि 2030 तक उनके यहाँ पे 30% इलेक्ट्रिक ट्रक्स की सेल हो। अब भारत के साथ समस्या ये है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किए ही नहीं जा रहे हैं। 2021 में 3 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेची गई थी भारत में। फेम स्कीम के अंतर्गत इसे काफी ज्यादा प्रोत्साहन भी मिला। फिर सेकेंड फेज आया 1000 करोड़ रुपीज के साथ इलेक्ट्रिक बसेस, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स और 2 व्हीलर्स को सपोर्ट मिला, बट इलेक्ट्रिक ट्रक्स छोड़ दिए गए। ऑलरेडी भारत की काफी सारी कंपनीज इंक्लूडिंग टाटा, इन्होंने भी काफी ज्यादा इनोवेटिव इलेक्ट्रिक ट्रक्स तैयार कर दिए। इनफैक्ट टाटा ने तो इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड लॉन्ग हॉल कंसेप्ट ट्रक भी तैयार कर दिया है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कितना फ्यूचरिस्टिक डिजाइन इसका है। इलेक्ट्रिक ट्रक के अलावा LNG ट्रक की बात करें तो इससे थोड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है और इससे ड्राइवर्स को भी काफी ज्यादा सहूलियत हो रही है। यकीन नहीं होता तो खुद ड्राइवर्स के मुंह से सुनिए कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। एकदम आसान है, और सब गाड़ियाँ कुछ भारी सी लगती है ना, इतना दूर चल के आओ तो थकावट सी महसूस होती है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसका केबिन में हर एक जगह कोई तरह का जर्किन नहीं लगता है, इसे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और AC केबिन है, हीटर भी है। गाड़ी चला के जैसे मैं अभी 500 किलोमीटर कल चलाया, आज अभी यहाँ पे खड़ा हूँ 500 किलोमीटर चलाने के बाद, अभी भी मेरे को कोई अथी नहीं महसूस हो रहा है कि मैं गाड़ी चला के आया हूँ। पूना से सिरोज कंपनी हजीरा तक आए हैं सर, हमको थकावट महसूस नहीं होती। सीट बीच सस्पेंसर ड्राइवर को जंपिंग नहीं लेती है, बहुत आरामदेह है हर तरह से। घाट भी उतरने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, घाट चढ़ाई के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम दबती नहीं है। लोड गाड़ी चलो चाहे खाली गाड़ी चलो, एक ही सेम टू सेम ही लगती है कि जैसे लोड ही नहीं चल रही है, पानी की तरह गाड़ी चलती है। अपने आराम के लिए और फायदे के लिए इसी गाड़ी को यूज करो, इट करें, बिकॉज इनसे 40% एमिशन होता है हर साल। और अगर हम इसे इलेक्ट्रिक, LNG, बायोडीजल ऐसे तरह के अल्टरनेटिव फ्यूल से रिप्लेस कर दे तो फिर इंडिया को एक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बारे में आपकी क्या राय है अपनी, डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।